गाइस पहले हम ये काम करते हैं, ये जो दीवारें हैं इनको पहले हम रिपेयर कर लेते हैं, क्योंकि रिपेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वीक हो चुकी है। ये वॉल भी कर लेते हैं, ये वीक लग रही है, ये भी वीक लग रही है, चेक कर लेते हैं। और दूसरी भी और कौन कौन सी वो भी चेक कर लेते हैं फटाफट से, ताकि जो भी रिपेयर है वो कर लेते हैं। उसके बाद हमें बहुत कुछ बनाना बाकी है, बहुत कुछ क्राफ्ट करना बाकी है। और ये सेलिंग सही लग रही है मेरे को, ये भी ओके लग रही है, ठीक है भाई, ये भी हमने कर दी है, फटाफट से सारी कर देते हैं। और यहाँ मैं काम करूँ, यहाँ वर्क जो वर्क बेंच है वो यहीं लगाएंगे हम, ताकि सही रहेगा हमारे लिए, वर्क बेंच एकदम सही इंस्टॉल हो जाएगी यहाँ पर। और ये मेन गेट खोल देते हैं, ओके। अब एक काम करता हूँ, मैं रूम चेक कर लेता हूँ, ये वाला, इस रूम में चलते हैं फटाफट से। ओके ये कैबिनेट चेक कर लेते हैं, पहले कैबिनेट खोल लेता हूँ मैं, कैबिनेट में क्या है। और ये कैबिनेट चेक करते हैं, इस कैबिनेट के अंदर आई थिंक कुछ भी नहीं है। और ये इसमें क्या रखूँ मैं, अभी एनिमल फेट नहीं रहने देते, एनिमल फेट को नहीं रखूँगा मैं। दूसरे चेक करते हैं, या तो क्रूड ऑयल रखते हैं, ओके क्रूड ऑयल डाल दिया फ़िलहाल के लिए हमने, फ़िलहाल के लिए इतना बहुत आई थिंक, और कुछ नहीं डालेंगे, ठीक है कोई बात नहीं। चलते हैं वापस बाहर की साइड ही, और अब हम देखते हैं क्या करते हैं हम। मुझे ये डोर डोर पे मुझे ना वो लगाना है लॉक कोड, तो लॉक कोड के लिए मुझे क्या करना होगा, लॉक कोड बना सकता हूँ मैं, क्राफ्ट कर सकता हूँ लॉक कोड, ठीक है। लॉक कोड 7 सेकंड में बन जाएगा, तब तक हम देखते हैं दूसरा काम, देखते हैं क्या कर सकते हैं। और मुझे फर्नेस की भी ज़रूरत है, तो फर्नेस भी क्राफ्ट कर लेता हूँ मैं। और मुझे वर्क बेंच भी चाहिए, तो वर्क बेंच भी क्राफ्ट कर ही लेते हैं, और ये बन जाएगी तब तक हम दूसरा काम देखते हैं, ठीक है गाइस। मेरे पास शायद ये आ चुका है लॉक कोड, तो इंस्टॉल कर लेते हैं लॉक कोड को। ये दरवाज़ा ओपन होता है, ठीक है, लॉक कोड इंस्टॉल कर लेते हैं भाई। और कोड क्या लगा है, 9772, ओके ठीक है भाई, लॉक कोड हमने लगा दिया है, इंस्टॉल हो चुका है हमारा लॉक कोड, ओके। तो अब हम फर्नेस भी लगा ही देते हैं भाई, आई थिंक। और ये अपना, ये हमारा जो स्लीपिंग पैड है ये ठीक लग रहा है वैसे, मुझे लगता है पहले हम चलते हैं बाहर की साइड। ये दरवाज़ा कैसे बंद हो गया, ठीक है भाई चलते हैं, और पहले हम शायद ऊपर चलते हैं एक बार। नहीं भाई, पहले एक काम करता हूँ मैं, जो अपना फर्नेस है फर्नेस इंस्टॉल कर लेते हैं भाई, फर्नेस इंस्टॉल करना पड़ेगा अपना। और फर्नेस के लिए जगह नहीं शॉर्टकट बाहर के लिए, तो मैं ये स्टोन एक्स को बाहर निकाल देता हूँ, ठीक भाई। अब अपना शॉर्टकट बार में आ जाएगा एक्स, तो एक्स फर्नेस आ जाएगा, आई सॉरी फर्नेस को हम यहाँ इंस्टॉल कर लेते हैं भाई, यहाँ से रहेगा, ओके। तो फर्नेस अपना इंस्टॉल हो चुका है, और इसको हम बता देता हूँ यूज़ क्या क्या होगा। फर्नेस से हमें जो भी मिला है, आयरन माइन, ये स्टोन माइन, तो ये सब स्टील माइन, ये जो भी है आयरन बार में कन्वर्ट हो जाएगा, इससे हमें कोल भी मिल जाएगा गाइस। तो ये हम सब डाल देते हैं, और इसके अंदर हम वुड भी डाल देते हैं और फूल भी इंस्टॉल कर देते हैं, और ये हमारा काम फिर शुरू हो जाएगा। और वुड में 50 डालता हूँ अभी फ़िलहाल के लिए, ठीक है भाई। और फ्यूल भी, फ्यूल 64 है, तो पूरा ही इंस्टॉल कर देता हूँ फ्यूल तो, ठीक भाई फ्यूल तो हम पूरे डाल देते हैं, क्योंकि 64 ही है। अब स्टार्ट कर देता हूँ मैं फर्नेस, और ये फर्नेस अपना स्टार्ट हो चुका है, और ये बनता रहेगा फर्नेस, ठीक भाई। मतलब आयरन बार और स्टील बार और ये सब बनते रहेंगे। हम चलते हैं बार की साइड, अब मुझे वर्क बेंच भी इंस्टॉल करनी है ऊपर की साइड, तो देखते हैं वर्क बेंच इंस्टॉल कर देंगे हम, ठीक है। ये देखो मैं आपको बता देता हूँ कैसे बनता है, ये नीचे बन चुका है, सल्फर माइन का सल्फर पाउडर बन चुका है, और आयरन माइन का आयरन बार बन चुका है, ठीक भाई। सब ऊपर चलते हैं, और ऊपर हम जो वर्क बेंच है वो इंस्टॉल कर देते हैं भाई। और वर्क बेंच में यहाँ लगाता हूँ गाइस, ये देखो गाइस ये जो धुआं निकल रहा है इसका फर्नेस है, ये ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। और वर्क बेंच में यहाँ इंस्टॉल कर देता हूँ, ठीक है भाई, यहाँ से रहेगी एकदम परफेक्ट है। और ये हमारी वर्क बेंच स्टार्ट हो चुकी है, और वर्क बेंच में हम कुछ रिपेयर भी कर सकते हैं हमारी एक्स को, और बहुत कुछ कर सकते हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पे एक लगा दिया है वुड स्टोरेज, ताकि इसमें हम कुछ ना कुछ जो वर्क बेंच में चाहिए हमें सामान, उसके लिए लगा सकते हैं गाइस। तो वर्क बेंच के लिए वो मैंने चेस्ट वहाँ लगा दिया है,
और यहाँ पे मैं अपना, मुझे फायर कैंप भी चाहिए खाना बनाने के लिए, तो फायर कैंप भी हम, मैं यहाँ पर इंस्टॉल कर देता हूँ भाई। फायर कैंप के लिए पहले मैं क्राफ्ट कर लेता हूँ फायर कैंप को, तब तक क्राफ्ट हो जाएगा। और फिलहाल के लिए मुझे फायर कैंप के लिए मुझे अभी वुड की ज़रूरत है, और वुड है नहीं तो मैं वुड पहले वुड को काट लेते गाइस। चलते हैं वुड ले लेते हैं फटाफट से। ओके, और वुड हम ले लेंगे तो आसानी से हमें क्राफ्ट कर पाएंगे हम फायर कैंप को। और वुड हम ले लेते हैं, इतना बहुत रहेगा वुड आई थिंक। ठीक है, फिलहाल के लिए आई थिंक इतना बहुत है। अभी पहले हम वो क्राफ्ट कर लेते हैं, एक काम करते एक पेड़ और काट ही लेते भाई, ताकि बार बार दिक्कत नहीं होगी हमारी। थोड़ा ज़्यादा रहेगा वुड तो अच्छी बात है, और ये भी कंप्लीट होने वाला है वुड, तो बहुत शानदार तरीके से चल रहा है अब। ठीक है भाई, ओके आई थिंक अब तो बहुत होगा आई थिंक। चलते हैं अंदर की साइड, अब हम जो क्राफ्ट कर लेते हैं फटाफट से, जो हमें क्राफ्ट करना है फायर कैंप। ठीक है गाइस, और ये जो आवाज़ आ रही है ये तो फर्नेस की आ रही है गाइस। ये फर्नेस में देखते हैं अपना क्या क्या बन गया अब तक। ओके, बहुत कुछ 12 बन चुके हैं, 5 और सल्फर पाउडर बन चुका है, कोल भी मिल चुका है, बहुत ही शानदार। ठीक है भाई, ये क्लेम कर लिया हमने, उठा लिए हैं। अब चलते भाई हम क्राफ्ट कर ही लेते हैं। अब मुझे क्राफ्ट करना है फायर कैंप। ओके, फायर कैंप भी मुझे क्राफ्ट करना है, और मैं देखता हूँ और क्या कर सकता हूँ मैं इसमें भी। इसके अंदर आई थिंक मेरे पास बहुत सारे सामान पड़े हैं, और क्राफ्ट करने के लिए मेरे पास क्या क्या अभी देखते हैं। आइटम, फैसिलिटी, बैटरीज, एसेसरीज, व्हीकल, बहुत कुछ है। और ड्राफ्टिंग टेबल बनाने के लिए तो अभी बहुत कुछ चाहिए, लेकिन अभी इंस्टॉल नहीं करेंगे क्योंकि अभी बहुत कम सामान है मेरे पास। ठीक भाई, तो चलते हैं नीचे की साइड। अभी पहले मैं काम करता हूँ, फायर कैंप इंस्टॉल कर लेता हूँ। पहले क्राफ्ट करना पड़ेगा फायर कैंप, तो फायर कैंप को मैं क्राफ्ट कर लेता हूँ। कैंप फायर नाम है, सॉरी फायर कैंप बोल रहा था मैं। ठीक है, कैंप फायर इंस्टॉल, क्राफ्ट तो हमने कर लिया है, और यहाँ अब मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ कैंप फायर को। यहाँ से रहेगा, ओके तो ये मैंने इंस्टॉल कर लिया है। और अब मैं कैंप फायर में क्या क्या बना सकता हूँ, अभी क्रीम है तो पहले उसको ही बना लेते, देखते हैं क्या बनता है इसका। और ये कुक्ड हो चुकी है हमारी डिश, तैयार है। और ये क्लेम कर लेते हैं फटाफट से। ठीक है गाइस, और ये फ़िलहाल के लिए आई थिंक मैं यूज़ भी कर ही लेता हूँ, आई थिंक सही रहेगा। और मुझे एक और जो स्टोरेज है वो एक और ले लेता हूँ, ताकि आई थिंक जो स्टोरेज रहेगा ना, जो भी खाना हम बनाएंगे एक्स्ट्रा में, जो भी एक्स्ट्रा रहेगा उसको इस स्टोरेज में इंस्टॉल कर देंगे गाइस, ये सही रहेगा, एकदम बेस्ट रहेगा। यहाँ इंस्टॉल कर देते हैं इसको फटाफट से, और इसके अंदर जो भी फूड हम बनाएंगे, मीट वगैरह जो भी रहेगा वो इसके अंदर इंस्टॉल हो जाएगा आसानी से। ठीक है भाई, और ये वाटर बॉटल भी इसमें इंस्टॉल कर देते हैं अभी फ़िलहाल के लिए, यहीं रख देते हैं इसमें चेस्ट में। ठीक है भाई, ये सही रहेगा फ़िलहाल के लिए अपना। और फिलहाल के लिए हम फर्नेस में चेक करते हैं एक बार और क्या क्या बन चुका है। बहुत कुछ बन चुका है यार। ठीक है, ये भी हमने क्लेम कर लिया फटाफट से। ठीक है भाई, बहुत है आज के लिए। ये मैं जो बैंडेज है वो यूज़ कर लेता हूँ, ताकि मेरी पावर भी बहुत कम लग रही है मुझे, एक और यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है भाई, एक और बैंडेज मैंने यूज़ कर ली है भाई। ठीक है, अब चलते हैं आगे फटाफट से। आई थिंक यहाँ से रहेगा, एकदम परफेक्ट है यहाँ, यहाँ से रहेगा, यहाँ इंस्टॉल कर देते हैं। और काफ़ी शानदार लग रहा लैंप अब फ़िलहाल के लिए, लैंप यहाँ सही एकदम परफेक्ट है लैंप की जगह, तो बहुत सही है, लैंप से लग रहा है। बाहर से देखते कैसा दिखता दूर से लैंप अपना, और ये बहुत ही सही लग रहा है। तो गाइस लैंप हमने लगा दिया है बहुत ही शानदार तरीके से। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। तो गाइस अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें गाइस। और कल हम इसे कंटिन्यू करेंगे इस गेम को, और बहुत कुछ हमें करना भी इसमें, इम्प्रूवमेंट बहुत सी चीज़ें क्राफ्ट करनी है, बहुत से हमें लगाना है, तो गेम को कंटिन्यू करेंगे गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।